वेदव्यास जी महाराज धुंधकारी की कथा का भी वर्णन करते हैं। कथा आप सब जानते हैं, वेदव्यास जी महाराज भागवत में लिखते हैं, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत स्मारतेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण? कहा द्वितीय इव भास्करः, दूसरे सूर्य के समान आत्मदेव के पास ज्ञान था, इतने ज्ञानी, चारों वेदों के ज्ञाता, छह शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण थे। कम से कम चीजों में जीवन यापन करना, हरि भजन करना और भिक्षा मांगना, यही आत्मदेव जी के का साधारण सा जीवन था। लेकिन आत्मदेव जी के जीवन के जब 50 वर्ष बीत गए, इनके जीवन में कोई संतान नहीं थी और आत्मदेव को कभी लगा भी नहीं कि संतान चाहिए। लेकिन जब 50 वर्ष बीत गए तो आत्मदेव की पत्नी, पत्नी का नाम है धुंधली, भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम द्वितीय इव भास्करा। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधली। और भैया धुंधली किसे कहते हैं? वेद व्यास जी लिख रहे हैं, दुधा वृत्ति चो धुंधली, दुधा वृत्ति चो धुंधली, जिसकी दो वृत्तियां हों, जिसके दो स्वभाव हों, जिसके दो मन हों, जो दो प्रकार की बातें करे, जो किसी कार्य को करना भी चाहती है और किसी कार्य को करना नहीं भी चाहती है, उसको कहते हैं धुंधली। तो आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली। तो जब जीवन के 50 वर्ष निकल गए, तब तक धुंधली ने कभी नहीं कहा कि मुझे संतान चाहिए। लेकिन जैसे ही आधा जीवन बीत गया, अचानक धुंधली पति से कहती है कि अब तो मुझे संतान चाहिए। पहले तो आत्मदेव जी ने समझाया कि अब कहां तुम संतान वाले मोह में पड़ी हो, कुछ समय पहले कहती तो हम इस विषय पे सोच सकते थे, लेकिन अब हमारी जो उम्र है वो गृहस्थ को त्याग के वानप्रस्थ में जाने की हो गई है। हम गृहस्थ धर्म को त्यागें, वानप्रस्थ में प्रवेश करें और ज्यादा से ज्यादा हरिनाम गाएं, और उस अवस्था में तुम संतान की मांग कर रही हो। पर धुंधली तो धुंधली, वेदव्यास जी लिखते हैं, दुधा वृत्ति चो धुंधली, दो स्वभाव, दो वृत्तियां, जो भीतर से कुछ है बाहर से कुछ है, जिसको समझना मुश्किल है, वो धुंधली, वो कहती मुझे तो चाहिए। आत्मदेव ने खूब समझाया, नहीं मानी। और जब नहीं मानी, आत्मदेव बहुत समझाते हैं, आत्मदेव को ही धिक्कार देती, दिग जीवतम प्रजाहीनम दिग्रहम चो प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्यो दिग्गुलम संततिम बिना। क्या कहती है? धिक्कार है। किसे धिक्कार है? धिग जीवतम, ऐसे जीवन को धिक्कार है जिस जीवन में कोई संतान नहीं है, जो जीवन नीरस है। संतान के बिना जीवन में रस नहीं होता। कोई उपद्रव करने वाला नहीं है, कोई पैसे मांगने वाला नहीं है, कोई जिद करने वाला नहीं है, कोई हंसी मजाक करने वाला नहीं है, कोई रोने गाने वाला नहीं है, कोई मचलने वाला नहीं है, इसलिए दिग जीवतम, ऐसे जीवन को धिक्कार है।
दिग्जीवतम प्रजाहीनम, संतान से विहीन जीवन को धिक्कार। दिग्रहम चो प्रजाम बिना, ऐसे घर को धिक्कार है जिस घर में संतान नहीं है, जिस घर में आगे पीछे कोई खेलने कूदने दौड़ने भागने वाला नहीं है, जिस घर में कोई भोजन फैलाने वाला नहीं है, जिस घर में कोई डांट खाने वाला नहीं है, ऐसे घर को भी धिक्कार है। दिग्रहम चो प्रजाम बिना, दिग्धनम चान पत्यस्यो, धन को भी धिक्कार जो रखा रखा सड़ रहा है, जिसे कोई खर्च करने वाला, जिसे कोई उपयोग करने वाला नहीं है। और अंत में क्या बोली, धिक्कुलम संततिम बिना, अरे तुम्हारे कुल को धिक्कार है। आत्मदेव जब ऐसी बातें कड़वी बातें सुनते तो आत्मदेव की आत्मा फट जाती कि क्या करें कहां जाएं। खूब बार समझाया पर समझने तैयार नहीं। धुंधली का मतलब ही है अज्ञान, धुंधली का मतलब ही है दुधावृत्ति च धुंधली, धुंधली का मतलब ही है जिसके दो मन हो, जो दो प्रकार की बातें करे, जिसके दो स्वभाव हो, जो भीतर से कुछ है बाहर से कुछ है। खूब समझाया नहीं मानी। इतने आत्मदेव त्रस्त हो गए कि संतान चाहिए संतान चाहिए, सोते उठते जागते खाते पीते जहां भी आत्मदेव जाएं, उसकी तो बस एक ही जिद है, संतान संतान संतान। बेटा हो या बेटी, पुत्र हो या पुत्री, बालक हो या बालिका, संतान। जब आत्मदेव बहुत परेशान हो गए, अंत में आत्मदेव विचार करते हैं कि मैं घर गृहस्थी को छोड़ दूंगा। पर फिर मन में बात आई कि गृहस्थी छोड़ने से क्या होगा, मेरी मनोकामना पूरी थोड़ी हो जाएगी, घर छोड़ूंगा तो संतान थोड़ी मिलेगी। एक काम करता हूं, दुनिया को छोड़ देता हूं, जब दुनिया में नहीं रहूंगा तो कोई इच्छा भी नहीं रहेगी। और आत्मदेव एक नदी किनारे जाके बैठ गए, जोर जोर से रोने लगे, सोच रहे हैं आत्महत्या करूंगा। लेकिन उसी समय वहां पर एक संत जी का आगमन हुआ और गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत कौन, संत वो नहीं जो अकड़ा अकड़ा सा बैठा रहे, संत वो नहीं जो अहंकार से युक्त हो, संत वो जो विनम्र है, जिसमें सरलता है, जिसमें सहजता है, जो किसी से भी बोल दे, किसी के साथ भी बैठ जाए, किसी से भी बातें कर ले, किसी को भी अपना बना ले, किसी का भी बन जाए, वही संत। तो संत तो संत, आत्मदेव को रोते हुए देखा तो पूछने लगे, भैया क्यों रो रहे हो। आत्मदेव ने पूरी व्यथा बता दी कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। संत जी ने पहले तो समझाया कि एक काम करो, इस संतान रूपी मोह को छोड़ो, कर्म की गति बलवान है, इसलिए संतान रूपी झूठे मोह का त्याग कर दो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाध्यो त्यज संसारवाशिना। छोड़ो संतान रूपी झूठे मोह को, छोड़ दो, त्याग दो, भूल जाओ कि संतान भी कुछ है। हरि भजन करो आत्मदेव, छोड़ो इस सब को। पर आत्मदेव तो आत्मदेव, संतान चाहिए, बेटा हो बेटी हो, पुत्र हो पुत्री हो, संतान चाहिए संतान चाहिए, हर स्थिति में संतान चाहिए। संत जी को भी दया आ गई, संत जी ने दे दिया एक फल, संतान चाहिए, बिल्कुल महाराज जी इसलिए तो बैठा हूं, ठीक है ये फल अपनी पत्नी को जाके खिला देना, और ध्यान रहे सुंदर बुद्धिमान गुणवान धनवान कीर्तिवान संतान चाहिए है, आज्ञाकारी संतान चाहिए है, तो तुम्हारी पत्नी को नित्य इन पांच नियमों का एक वर्ष तक पालन करना है। नियम क्या, नियम बताए, एक वर्ष तक तुम्हारी पत्नी एक समय भोजन करे। दूसरा नियम, एक वर्ष तक तुम्हारी पत्नी
दान करें। तीसरा नियम, एक वर्ष तक तुम्हारी पत्नी जाप करें। चौथा नियम, एक वर्ष तक तुम्हारी पत्नी संयम नियम के साथ रहे। और पांचवा नियम, एक वर्ष तक तुम्हारी पत्नी सत्य बोले। आत्मदेव जी खुश हो गए, फल लेकर के पहुंचे। पत्नी के पास, धुंधली के पास। अब संत जी ने क्या कहा था कि खिला देना, और खिला देने का मतलब यही होता है कि या तो अपने हाथ से खिला देना या अपने सामने खड़े होकर के खिला देना। और आत्मदेव आए, पत्नी को फल दिया और कह दिया खा लेना। और खा लेने का मतलब ये होता है खा लेना, आज खा लेना, कल खा लेना, परसों खा लेना, और नहीं खाना हो तो नहीं खाना। अब धुंधली ने फल ले लिया, थोड़ा सा अच्छा तो लगा, लेकिन जैसे ही पांच नियम सुने तो धुंधली सोचने लगी, बताओ एक दिन में 100 बार झूठ बोलती हूँ, झूठ के बिना भोजन नहीं पचता, 1 साल तक झूठा ही नहीं बोलना, कैसे जिंदा रहूंगी झूठ के बिना। दूसरा नियम, एक समय भोजन 4 बार खाने वाली, 3 बार कम करके 1 बार कर दिया। अरे 5 बार कर देते तो भी सोचती कि अच्छा नियम है, मैं भूखी नहीं रह सकती। दान में सिर्फ लेना जानती हूं, देना नहीं जानती। संयम में रख नहीं सकती, और जाप करते समय मुझे नींद आती है। अरे भैया मुझे संतान नहीं चाहिए, ये संतान प्राप्ति में तो बड़ी बलाए है, झंझट है। धुंधली कह रही है 9 माह तक पेट बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा पेट। और मान लो अब उसके मन में ख्याल चल रहे हैं, भागवत जी में वेद व्यास जी लिखते हैं कि वो सोच रही, मान लो बाढ़ आ गई तो इतना बड़ा पेट लेके कहां भागूंगी। ऐसा कोई सोचता है जैसे संतान चाहिए? आग लग गई तो कैसे भागूंगी, कुछ खा नहीं पाऊंगी, उल्टियां होंगी सो अलग, जी मचलेगा सो अलग, क्या करूंगी। ऐसे सोच विचार करते करते उस दुधा वृत्ति जो धुंधली, दो स्वभाव वाली धुंधली ने, जो अब तक संतान के लिए मरी जा रही थी, जो संतान चाह रही थी, वो धुंधली क्या कहती है, नहीं चाहिए। अभी पति की जान ले रही थी कि कहीं से भी व्यवस्था करो, संतान चाहिए, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी से भी तंत्र मंत्र कराओ, पर संतान चाहिए। लेकिन अब नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए।